दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20x45 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सा प्लान है और लो बजट प्लान है। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण इलाका से बिलोंग करते हैं, तो आप आसानी से इस घर को कम लागत में बेहतरीन सा बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बारंदा बोल सकते हैं या आप इसे लिविंग हॉल बोल सकते हैं, वो भी डिज़ाइन किया, और इसका डिज़ाइन जो फ्रंट एलिवेशन है वो आपको एक बेहतरीन से मिलता है। यहाँ पर बीम वगैरह जो दिया है वो मैंने कर्व शेप में दिया है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे 20x45 में बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं मोहन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। यदि आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। आज का जो प्लान है दोस्तों, फ्रंट एलिवेशन की बात करें ये है, और इसका फ्रंट से रोड आपका यहाँ से, इसके बाद स्टेयर्स हैं, और इसके बाद यहाँ पर तीन पिलर आपको मिलते हैं जो कि बारंदे को बनाते हैं। इसके बाद ये रेलिंग ऊपर दिया है। इसकी ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये बीम वगैरह। इसके बाद आप जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो लगभग आपको ये बारंदा देखने को मिल जाता है, और मेन डोर ये है। ये साइड में एक डोर है, इस डोर के लिए मैंने यहाँ पर विंडो इस्तेमाल किए वेंटिलेशन के लिए, और साइड से भी एक विंडो दिया। अगर आपका चारों तरफ से ओपन है तो आप आराम से विंडो दे सकते हैं, अगर क्लोज है तो आप इस विंडो को रिमूव कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो इस डोर से जैसे एंट्री करते हैं तो आप एक लिविंग हॉल में आ जाते हैं। ये मैंने लिविंग हॉल क्रिएट कर दिया है बिल्कुल सेम टू सेम बेडरूम के तरीके से। ये लिविंग हॉल आपका, इसी लिविंग हॉल से आपका फ्रंट वाले जो बेडरूम उसमें एंट्री पॉइंट मैंने दिया है, और इसके बाद इस डोर से आप अंदर जाएंगे जहाँ पर आपको आंगन मिलेगा, और इसके जस्ट पीछे आपको दो बेडरूम्स मिल जाते हैं। ये आपका किचन एरिया है जो आप देख पा रहे होंगे। इसके जस्ट साइड में आपका ये आप पूजा घर बना सकते हैं। इसके बाद इधर से अगर हम बात करें, इधर से आपकी स्टेयर से गई हुई हैं ऊपर की तरफ, उसी के नीचे लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट किया है। तो ओवरऑल घर की बात करें तो आपको तीन बेडरूम मिलते हैं, एक लिविंग हॉल मिलता है, आंगन मिलता है, लेट एंड बाथ मिलता है, स्टेयर्स, पूजा घर और एक बेहतरीन सा बारंदा। ये सारी चीज़ें आपकी 20x45 फुट में क्रिएट की गई हुई हैं। मैंने यहाँ पर विंडो साइड से भी दिया है क्योंकि यहाँ पर साइड्स में ओपन है, अगर आपका घर क्लोज्ड है, चारों तरफ घर बने हुए, तो आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। और अधिक अगर आप वेंटिलेशन चाहते हैं तो इसके लिए आप बीच में जाल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके घर में रोशनी हवा वगैरह पास होती रहेगी। तो ये पूरा मॉडल था 20x45। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ 3.5 फुट का बाउंड्री दिया है, फ्रंट में ग्रिल दिया है, जो ग्रिल आपका इस्तेमाल आयरन का, और साथ साथ यहाँ पर ग्लासेस का भी इस्तेमाल किया गया है। ये आपका घुमटी है जिसमें आपको स्टेयर्स के माध्यम से, जो आपकी स्टेयर्स है उसको ढकने के लिए, और ये पूरा छत आपका बनकर रेडी हो जाता है। तो 20x45 फीट में ये घर आपका बन जाता है ओवरऑल। तो ये घर जो है वो बहुत ही बेहतरीन सा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर इसका आप कॉस्ट एस्टिमेट करना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर से पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम स्मॉल हाउस प्लान है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसका कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा, इसका कॉस्ट कितना होगा वगैरह सारा डिटेल वो फाइंड आउट कर देता है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।